में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके ले लाऊँ 500 सीसी थंडरबर्ड की, जो कि मैं यहाँ पर लेना हूँ। ये गैरेज जो बंद पड़ा है, इसके अंदर से मैं गाड़ी लेना हूँ और उसको मैं फुल रिस्टोर कर, वो स्टार्टिंग वगैरह सारी कंप्लीट करूँगा। और दोस्तों गाड़ी बंद बंद खड़ी है 3-4 साल से। अभी मैं आपको उसकी कंडीशन दिखाता हूँ, ये गैरेज का गेट खोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अंदर खड़ी है गाड़ी, चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बाइक है। तो बीए खरीदोगे? ये देखिए, ये करीब खड़ी है 2 साल से, चलिए लेके चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, गैराज से बाहर निकाली, पैदल निकाली, बड़ी दिक्कत से निकली बाहर। चार जनों ने टोचिंग करी जब जाके बाहर निकली। चलिए गैराज पे लेके चलते हैं। देखिए आप इसकी कंडीशन, 500 सीसी। चलो भाई जल्दी दोस्तों गैराज पे गाड़ी। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसकी वॉशिंग कर ली अपने वर्कशॉप पे और पूरी गाड़ी की वॉश वॉश करा, फिर जाके इतनी निखर में निखरी है। अब इसकी सीटें बनेंगी, शोकर बनेंगे, तो सीटें खुलवाता हूँ मैं। दोस्तों सीटें बनेगी इसकी, और पीछे का ये भी बनेगा, फट गया टंकी हटाते हैं, और इसका फ्यूल पंप भी चेक करेंगे और इंजेक्टर भी चेक करेंगे अपन। और काफ़ी टाइम से खड़ी हो सकता है, फ्यूल पंप भी खराब होगा इस गाड़ी का। वॉशिंग करा ली थी मैंने, इसलिए इतनी साफ लग रही है। देखिए क्या पोजीशन हो रही है इसकी, अभी अंदर से वही पोजीशन हो रही है जो बाहर से होती थी। साफ कर लेते हैं। ये दोस्तों इसका फ्यूल इंजेक्टर, ये फ्यूल इंजेक्टर है जिससे पेट्रोल की दिक्कत आती है। इसे भी साफ करना पड़ेगा क्योंकि पेट्रोल इसका खराब हो चुका है, लाल हो रहा है इसका पेट्रोल। इसे खोलता हूँ मैं, इसे निकालता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ फ्यूल का, फ्यूल इंजेक्टर। ठीक है दोस्तों, ये खोल लिया मैंने इंजेक्टर, मैं लोगों को दिखाता हूँ उसमें क्या है। मैं लोगों को लाल 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 पेट्रोल हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये इसका खोलते हैं अपन सेंसर, पेट्रोल सेंसर भी बोलते हैं इसे और इंजेक्टर भी बोलते हैं, सब अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम है। चलिए तो मैं इसे खोलता हूँ, इसकी सफाई करता हूँ, आपको बताता हूँ सफाई कैसे होती है इसकी। ये देखिए दोस्तों, चलिए तो इसको ये बैठाता हूँ पाइप और उसको सफाई करते हैं अपन। देखिए दोस्तों, ये दोनों अट गए, इसकी पहले इसकी सफाई करेंगे अपन इसके अंदर की, और इसमें कोई तार वार नहीं डालना चाहिए, वैसे ही पेट्रोल साफ करना चाहिए। चलिए तो करते हैं। देखिए दोस्तों, से ऐसे इसमें पेट्रोल डाल के और इसको साफ करते हैं। देखा आपने कैसे क्लियर करा मैंने, तो इसे वापस लगाते हैं, इसकी सफाई हो चुकी है, क्लियर हो चुका है, वापस कंप्लीट करते हैं फिर दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए दोस्तों, ये फ्यूल इंजेक्टर मैंने फिट कर दिया, पाइप भी नहीं लगा दी, इसकी पाइप खराब हो गई थी। और इसकी टंकी भी मैं क्लियर करता हूँ और टंकी भी दिखाता हूँ, फ्यूल पंप वगैरह कैसे साफ करते हैं आपको, उसके बाद अपन इसे स्टार्ट करेंगे, देखते हैं इसकी क्या पोजिशन है। देखिए दोस्तों, इसका फ्यूल पंप खोलते हैं अपन और इसकी मोटर की बताऊंगा कैसे सफाई करते हैं, क्योंकि इसमें पेट्रोल बिल्कुल लाल हो रहा है। अभी देखते हैं अपन लोगों को, खोल के दिखाता हूँ आपको कितना लाल हो रहा है इसका पेट्रोल। काफ़ी टाइम से खड़ी थी ना, आपको कंडीशन दिखाई थी मैंने आपको। देखिए दोस्तों, देखिए इसकी ये जाली है, ये चौक हो जाती है, ये भी इसकी सफाई करूँगा मैं, आपको दिखाऊँगा कैसे। और इसके पेट्रोल जाल भी कैसा हो रहा है इसका, बिल्कुल लाल हो रहा है। चलिए तो पेट्रोल निकालता हूँ, नया पेट्रोल डालना पड़ेगा इसमें। चलिए दोस्तों, इसे खोल लेते हैं।
इसमें क्या आपको बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों को एक साथ यूज करके आप वीडियो बना सकते हो या फिर जो कुछ ये देखिए दोस्तों, ये जाले निकल गए और कचरा कचरा छिट रहा है और इसमें देखिए कैसा कचरा जम रहा है, कितना कचरा जम रहा है। ये टंकी है कलर का कचरा, चलिए साफ कर दो। मैं देखिए दोस्तों कितना क्लियर होगा, वो सारा कचरा इसमें निकला, वो कितना कचरा है इसके अंदर। इसका फिल्टर भी अलग करके और अपन इसको फिल्टर को भी साफ करेंगे। ये फिल्टर देखिए फिल्टर अलग हो गया, फिल्टर को साफ कर लेंगे बस। मोटर अलग हो गया, मोटर को भी साफ करेंगे। और ये इसका कवर ये देखिए दोस्तों कितना काला हो रहा है, अभी इसको मैं साफ करता हूँ फिर आपको दिखाऊंगा क्लियर करके। कालो जमरी ले गए दोस्तों, अपन डालेंगे साफ पेट्रोल। ये हो गया, इसमें फिल्टर डालेंगे, हम फिल्टर को लाएंगे। देखिए कितना मेल निकला है, मतलब बिल्कुल काला हो गया, हालांकि पेट्रोल में था फिर भी काला हो गया। देखिए कितना मेल है इसमें जाली में। चलिए मैं कंप्लीट करता हूँ फिल पंप, फिर स्टार्ट करते हैं बाइक को, देखते हैं। ये देखिए टंकी कंप्लीट हो गई, फिल पंप वगैरह साफ करके लगा दिया हमने इसका। पाइप लगानी है, सॉकेट लगाना है, सारी कंप्लीट करके आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। दोस्तों बैटरी लगा ली, वायर जोड़ते हैं इसके, माइनस प्लस साफ कर ले वायर सही से, फिर लगाओ, फिर स्टार्ट करते हैं। क्या पोजीशन है इसकी, देखिए दोस्तों बैटरी कंप्लीट हो चुकी है, फिल्टर पैनल भी कंप्लीट हो रहा है। अब इसमें अपन पेट्रोल डालते हैं और फिर अपन का फ्यूल पंप भी चेक करते हैं। ला पेट्रोल ले जाओ, दोस्तों पेट्रोल डाल दिया, अपन नीचे चेक करते हैं पेट्रोल कैसा आ रहा है। अपने मोटर की साफ सफाई पाई करी, बटन चालू कर, देखिए दोस्तों चालू करी बटन, देखिए दोस्तों कैसा प्रेशर आ रहा। ओके मोटर एकदम, चलो पाइप लगाता हूँ। क्लिप ले जाए, क्लिप टाइट करते हैं, क्लिप दोस्तों फुल टाइट करना चाहिए था, नहीं तो ये प्रेशर इतना तगड़ा होता है कि पाइप हटा देता है। पाइप भी नहीं डाली मैंने इसकी, ये टाइट होगा। चलिए स्टार्ट करके देखते हैं। देखिए दोस्तों इंजन वगैरह सब बढ़िया है गाड़ी का, अब इसकी सीटें वगैरह लगाना बाकी है, सीटें वगैरह भी लगाता हूँ मैं। देखिए दोस्तों बाइक कंप्लीट हो गई, सारा कंप्लीट काम कर दिया मैंने, स्टार्ट करके मैंने आपको दिखाई दी थी गाड़ी।
दोस्तों कैसी लगी आपको मिस थंडरबर्ड 500 की वीडियो, जो कि मैं गैरेज में तो ढाक रहा था पूरी वीडियो, मैंने आपको दिखाई है कितनी बेकार गाड़ी हो रही थी ये, मैंने तो सारी कंप्लीट कर दी। तो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और अगर चैनल बनाया हो तो सब्सक्राइब करके रखना, बहुत ही नॉलेज वाली वीडियो देखा आपके लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, बाय।